न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने प्लेइंग 11 में 5 बड़ी तब्दीलियां कर डाली। पहले टी20 मैच के लिए पाकिस्तान की कंफर्म प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने 5 बड़ी तब्दीलियों के साथ उतरने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ कंफर्म प्लेइंग 11 जारी हो चुकी है। वो कौन सी प्लेइंग 11 है जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए उतरेगी, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक शुरू कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको क्रिकेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिल सके। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फेवरेट प्लेयर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान जो टी20 सीरीज अप्रैल के मंथ में शेड्यूल है, तो उसके पैरिटी टीम मैच जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 18 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के मुकाम पर खेला जाएगा और ये मैच आपको पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 7 बजे स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया जाएगा। इस मैच को आप ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकते हैं और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर तमाशा टीवी के जरिए जैज की सिम के थ्रू आसानी के साथ देख सकते हैं। लेकिन पीटीवी स्पोर्ट्स इस सीरीज को टेलीकास्ट नहीं करेगा। तो पाकिस्तान की पैरिटी टीम मैच के लिए कंफर्म प्लेइंग 11 भी सामने आ चुकी है जो कि बाबर आजम ने अनाउंस कर दी है। उसके मुताबिक पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम नंबर 1 पर ओपनिंग के लिए आएंगे और उसके साथ ओपनिंग करेंगे सैम अय्यूब। ये नया ओपनिंग पेयर आपको देखने को मिलने वाला है। फिर नंबर 3 पर आ जाएंगे पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, जबकि नंबर 4 पर आपको उस्मान खान डेब्यू करते हुए दिखाई दिए जाएंगे और नंबर 5 पर हाइटर प्लेयर फखर जमान के साथ टीम मैनेजमेंट जाएगी, जबकि नंबर 6 पर आपको ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद हाइटर के तौर पर खेलते हुए दिखाई दिए जाएंगे, जबकि नंबर 7 पर आपको पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर शदाब खान खेलते हुए दिखाई दिए जाएंगे और नंबर 8 पर ऑलराउंडर इमाद वसीम की 2 साल बाद वापसी होने जा रही है, जबकि नंबर 9 पर मोहम्मद आमिर आपको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए दिखाई दे जाएंगे और नंबर 10 पर शाहीन शाह आफरीदी कंफर्म प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और नंबर 11 पर नसीम शाह पाकिस्तान की कंफर्म प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे।